अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट अबू बकर सैफ और आप देख रहे हैं अबू बकर सैफ 47। जी फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं गेमिंग कीबोर्ड। तो आपने काफी देखे होंगे, बट इसमें ऐसा क्या है कि मैं इसका रिव्यू आपके लिए लेके आया हूं। यह है RGB मैकेनिकल कीबोर्ड V8। अगर इसके बिल्डिंग क्वालिटी की बात की जाए, यानी ये बना किस चीज का है, तो ऑफ कोर्स ये प्लास्टिक का ही बना है, बट प्लास्टिक इतना चीप नहीं है, काफी अमेजिंग है, लचकदार है, टूटेगा नहीं, ये गारंटी है, यानी आप उठा के फेंके फिर तो टूट ही जाएगा, अदरवाइज रेगुलर यूज में अगर गिर जाता है तो टूटने वाला नहीं है। अगर इसका फ्रंट फेस देखा जाए तो ये मेटल का बना हुआ है और मेटल से इसकी लुक ऑसम यार। और इसमें सिर्फ एक ही कलर कॉम्बिनेशन आता है, यानी सिल्वर ब्लैक, जो कि इसको बहुत ही ऑसम लुक देता है। अब बात करते हैं इसके कीज की। कीज है इसकी ब्लू। ब्लू का मतलब पता है? नहीं। यार ऑसम यार, नॉइस इसकी इतनी अच्छी होती है, नॉइस नहीं कहना चाहिए यार, बहुत ही मजे का इसका साउंड होता है। समझ रहे हो आप यार? क्लिकी साउंड मेरे दिल पे लगता है, बस करते जाओ। ना सिर्फ ये क्लिकी साउंड देता है, बल्कि इसका रिस्पांस टाइम भी बहुत ही शॉर्ट होता है, यानी आप हल्का सा प्रेस करेंगे और ये एक्शन परफॉर्म कर देगा। 1000 हर्ट्ज पर मिलीसेकंड, यानी मिलीसेकंड में इसका रिस्पांस आएगा, बहुत क्विक रिस्पांस टाइम है, जो कि गेमर्स के लिए बहुत ही ज्यादा अहम होने वाला है। अगर इसकी केस कैप की बात की जाए, वो भी ABS मटेरियल की बनी है, बट उसके जो ऊपर लिखा हुआ है ना यार, ये थोड़ा सा कंप्रोमाइजिंग है, मुझे कुछ इतना खास अच्छा नहीं लगा। कीज लाइट की बात करें, यानी RGB लाइट्स की बात करें, जो कि इसको गेमिंग कीबोर्ड में होता ही है कि RGB होना चाहिए यार, लाइटिंग होनी चाहिए, तो फिर यार कोई काम चलेगा ना। RGB लाइट यार 7 कॉम्बिनेशन मिलते हैं इसमें। इसका अगर हम कॉम्बिनेशन देखें तो ये 7 डिफरेंट कॉम्बिनेशन के साथ कंपनी इसे क्लेम करती है। और सबसे अमेजिंग बात बना क्या है, हर एक की के साथ अपना एक बल्ब है, यानी अलहदा से हर एक एक की अलहदा से चलती है। अब सबसे अहम बात, ये एंटी घोस्टिंग है, यानी अब जितनी भी कीज इकट्ठी प्रेस करें यार, सबके सब प्रेस होंगी, जो कि गेमिंग के लिए एक बेस्ट फीचर है। अगर हम इसके बैक पे देखें तो हमें दो इसके बूस्टर मिल जाएंगे, यानी इसको थोड़ा सा स्टैंड करने के लिए, और ये तकरीबन 1 inch तक इसको बूस्टर करता है, यानी ऊपर की तरफ उठाता है कीबोर्ड को अगली साइड से, और ये थोड़ा सा ना ईजी हो जाता है कीबोर्ड को यूज करना। उसके बाद अगर इसकी वायर की बात की जाए, तो ये 1.8 meter इसकी लॉन्ग वायर है, और इसके ऊपर एक धागे टाइप मटेरियल की कोटेड है, जो कि इसकी क्वालिटी को इनहांस करता है, बल्कि इसके लुक को भी और ऑसम बनाता है। और वायर जो है USB है, यानी USB कनेक्शन के साथ इस कीबोर्ड को दिया गया है। अगर इसके डायमेंशन की बात करें, तो 444 mm इसकी लेंथ, विड्थ इसकी 136 mm और हाइट इसकी 37 mm है, और वेट 800 ग्राम इसका वेट है। यार पोर्टेबल भी है, किसी हद तक पोर्टेबल है, मगर थोड़ा सा कंप्रोमाइजिंग है इस मामले में भी। और सबसे लास्ट पे इसके प्राइस के बारे में, जो कि सबसे अहम है यार, मैंने इसे हफीज सेंटर लाहौर से 2800 में परचेज किया था, और प्राइस के हवाले से अगर इसकी ओवरऑल देखा जाए, ओवरऑल रिव्यू किया जाए, तो यार ये ठीक है, पर इसमें एक दो कमी है। एक ये पोर्टेबल यानी हो सकता है, मगर जिन्होंने ट्रैवल वगैरह करना होता है उनके लिए ये बस सो है। और दूसरा, इसके बटन के ऊपर जो लिखा है ना, वो थोड़ा सा कंप्रोमाइजिंग मुझे लगा है। आप इस कीबोर्ड के बारे में क्या कहते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।